तारिक जी के साथ बातचीत का दौर चालू रहेगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता माइक्रोफोन लेके आपके पास आएंगे। तारिक जी, इस्लाम में हिजबुल्ला की कल्पना की गई है और ज्यादातर इस्लाम जो के जो स्टेट है वो हिजबुल्ला पे आधारित है जो कल्पना की गई है, तो फिर ये धीरे धीरे हिजबुल्ला की कल्पना ऐसी नहीं हो सकती है, मैं भी जानता हूं, तो फिर ये पर्वर्टेड फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी में क्यों ट्रांसफर हो रहे, रूपांतरित क्यों हो रहे है? देखें, सवाल आपका है जिसमें उसका आंसर आपने भी साथ दिया है। ये हिंदुस्तान का बड़ा कमाल का है कि यहां जो भी सवाल पूछता है वो जवाब साथ देता है। देखें, ये आपका मसला नहीं है कि इस्लाम में क्या लिखा गया है, या तो आप मुसलमान हो जाएं, फिर बैठ के आप में दोनों लड़ेंगे मुसलमानों से। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो ये मुसलमानों का मसला है कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, हैं? आप 200 मिलियन मुसलमान का तो नहीं निकाल सकते, हिटलर 10 मिलियन जू को नहीं कर सका तो आप 200 मिलियन तो नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून कुरान या पुरान से बन सकता है? नहीं। आपका हमारा ये होना चाहिए कि हमारा कानून पार्लियामेंट में बनता है, हमारा कानून भगवान नहीं लेके आता, भगवान लाता है रास्ता मॉरल कंपस का कि नेकी कर और दरिया में डाल कैसे। मॉरल कंपस के अलावा धर्म का कोई रोल नहीं सोसाइटी में। जिस लिखावट से दंगा होता है वो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इतने लोग आजकल एथियस्ट हैं, तंग आ गए। सवारकर भी एथियस्ट ही थे ना, तंग आ गए थे ना लोग, थक गए थे, ये कब खत्म होगा? यूरोप में मुझे बताइए, अगले साल 500th एनिवर्सरी होगी मार्टिन लूथर की। उसने कागज लिया, चर्च पे गया और पोप को कहा, अब मैं गुजराती में गाली, पंजाबी में ज्यादा अच्छी होती, उसने गाली दी पोप को कि तेरी वजह से लाखों आदमी मर गए, तू साला कैसा ठेकेदार है खुदा का। 500 साल जिसमें कई सौ साल जंगें हुई, सौ सौ साल की जंग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की हुई, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, एंड में उन्होंने क्या तय किया? फ्रेंच रिवोल्यूशन ने क्या तय किया? मजहब का ताल्लुक सियासत से है ही नहीं, इसीलिए फ्रांस ने कहा तुमको बुरका पहनना है तुम जाओ बुरकस्तान में, तुमको हिजाब पहनना है तुम हिजाबिस्तान जाओ, या ना तुम बुरका पहनोगे ना पगड़ी पहनोगे ना कुछ करोगे, रहने रहो, नहीं रहना वापस जाओ। ये कानून की लड़ाई है। जब आप लिटरेचर और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट करेंगे जिसका जवाब आपके पास पहले से है तो वो इट विल बी कंस्ट्रूड एज एन आर्ग्यूमेंट इन बैड फेथ। नेक नियति से आप सच निकलवा सकते हैं, बदनीयती से सिर्फ झूठ निकलेगा। अगर ये आप सवाल किसी मौलवी से कहता तो वो जाकिर नायक की तरह तीन चीजें पढ़ता, इन चैप्टर 239 फलाना भगवत गीता, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड, आपको फिर गुस्सा आता, आप कहते हैं क्या कह रहा है तू, कुरान में ये लिखा, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। या तो जाकिर नायक को फॉलो कर ले या आरिफ मोहम्मद खान को फॉलो कर ले। नमस्कार, डिसाइड करें। हाँ जी, डॉक्टर के एस पुरोहित। अच्छा, मैं एक डॉक्टर हूँ पालड़ी में, यहाँ अहमदाबाद में। जी, आपने बताया कि इंडिया को सेक्युलरिज्म का गर्व है वो पहने रखना चाहिए, पर भी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का जो अर्थ हो रहा है वो सही है क्या, एक नंबर वन। दूसरा कि एवरेज मुस्लिम जो भी कंट्री में रहता है वो ये मानता है कि ये कंट्री मेरा नहीं है, मेरी नजर तो ये पूरे मुल्क को इस्लामिस्तान बनाने की है, ये सही है क्या? ऐसे बुक में लिखा हुआ है क्या? नहीं ऐसा। और काफिर का अर्थ उनके दिमाग, क्योंकि मुझे ये भी जानना पड़ता है कि जब वो मेरी और फिर मुझे याद नहीं रहेगा, मैं सटका गया हूँ, 65 की उम्र है मेरी। वो एक एक क्वेश्चन, एक एक करके मुझे पहला सवाल आप बताइए क्या था, सॉरी, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जे सेक्युलरिज्म हो ही नहीं सकता जब मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, इट्स वेरी सिंपल। ये सेक्युलरिज्म की तिजारत है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक कानून हर शहरी के लिए, खत्म।
जिसने चारशाजी करनी जाए पाकिस्तान सीधा। नंबर टू, सेक्युलरिज्म को अटैक करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ये उनका है, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म को आप अटैक करेंगे देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इंडिया, तितर बितर हो जाएंगे। आप पढ़िए मुसलमान आने से पहले बादशाह से लड़ाई करते थे आपस में, इधर से चली फौज उसको तबाह कर दिया, वो चढ़ा मराठों ने उसको मार दिया, वो गए साली गुप्ता डायनेस्टी खत्म कर दी, हवा में उड़ गए। इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे गई? क्योंकि कानून ही नहीं था। कानून बादशाह सलामत ने कहा लेकर आओ, गर्दन काट दो, खत्म है, उस लड़की को नचवा दो, उस चाचा को पिटवा दो। ये कोई आज की बात? आर वी टू बी प्राउड ऑफ दैट नॉनसेंस? वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कॉपीड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ विच इज ब्रिटेन, जहां जॉर्ज गैलोवे जैसे कमीने एंटी इंडियन पॉलिटिशियन को किसने हराया कल इलेक्शन में, कोई जानता है? एक पाकिस्तानी लड़की ने, मुसलमान ने। आपको पता है कि शेख मुजीब रहमान की ग्रैंड डॉटर इज बीन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसका नाम बड़ा प्यारा है ट्यूलिप सिद्दीक, जिसपे हिंदुत्व वाले कह रहे हैं इंग्लैंड का तो बेड़ा गर्क हो गया, मुसलमान आ गए। दी हिंदुत्व पीपल डोंट नो दैट इस्लामिज्म इज बीइंग डिफीटेड बाय मुस्लिम्स, नॉट बाय योर ट्वीट्स। ये लड़की का कमाल है जिसने जॉर्ज गैलोवे को हराया ब्रैडफोर्ड में, जहां 90% पाकिस्तानी रहते हैं, जो जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट्ठे में थे, जहां जॉर्ज गैलोवे 50,000 वोट से जीतता था। वो लड़की के बाप ने उसकी मां को तलाक दी, वो गैराज में रहती, 8 साल तक उसको घर नसीब नहीं था, फिर उसको उठा के पाकिस्तान ले जाके उसकी शादी करा दी, फिर उसके हस्बैंड ने उसको मारा, उसकी मां को उसके हस्बैंड ने मारा। शी केम बैक एज 18 ईयर ओल्ड एंड स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द मुल्लाज। टुडे शी डिफीटेड द ग्रेटेस्ट हमास हिजबुल्ला, सद्दाम हुसैन का जो दलाल था उसको उसने डिफीट दी, इंडिया के पेपर में खबर ही नहीं है। ये समझें, ये मुसलमान हराएंगे इन हरामजादों को, ये आप नहीं कर सकते। ट्विटर की जीत उसी वक्त होगी जब आप उसके नशे में नहीं घुस जाएं। आपको मजा आ रहा है, अरे गाली दे दी मुसले को, मुसला ही मारेगा इनको, ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रॉमिस करते हैं। ऐसा ऐसा बहादुर मुसलमान यहां बैठा लड़ रहा है जंग इनके, आप तो आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। घर घर लड़की लड़ाई लड़ रही है, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं हिंदू से करूंगी, सिख से करूंगी, आप कौन है तेरे होने वाले? मेरी बेटी ने भी शादी की नॉन मुस्लिम से, मेरी बहनों ने कहा हम शादी पे नहीं आएंगे, हमने कहा अच्छा हुआ खर्चा बच गया। नाउ मैंने जाके हिंदू मुसलमान बच्चे बच्चियों की 4 लोगों की तो मैंने शादी कराई है। जिसने कहा कि ये हिंदू, मैंने कहा कुरान पे नंबर तो हटाओ पहले हिंदुओं के, जिसको ज्यादा पीड़ है तुम्हारे पास तो नंबर ही था अरब, ये तो हिंदुओं से सीखा तुमने, नंबर राइटिंग तो हर कुरान पे लिखा है, इट्स इंडियन नंबर्स, इस किताब का भी हर पेज जो है इंडियन नंबर पे है, क्यों उससे नहीं कर रहे? लेकिन ये दुश्मनी से नहीं हो सकती, ये नेक दिली से जीतेंगे आप जंग। दूसरा सवाल पूछ गया, भूल गया ना मैं जी? हाँ हाँ, आज देखें 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान, इनफैक्ट 100%। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar. Because to read it, you first have to know किसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नायक कहता ना चैप्टर 235 लाइन नरेटेड, झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। आप कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं, बकरा ईद पे खरीदू। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने?
हमारे यहां तो एक से एक सुंदर आदमी होता था जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास को आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20,000 आदमी आते हैं। लेकिन ये मुसलमानों की फाइट है। एंटी मुस्लिम फीलिंग शुड कम टू अ स्टॉप। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, आज से नहीं अगले 50,000 साल तक। और ये ऐसा है जैसे मियां बीवी की शादी है, झगड़ा तो होता है। मैं भी 40 साल से शादी कर रहा हूं, कभी मेरा कैमरा फेंक देती है, कभी उसका यू नो थप्पड़ चल जाता है। पिटाई तो हस्बैंड की होती है, ये माने ना माने आप, देखे ना क्या कर लेंगे आप। मेरा फोन फेंक देती है, डिलीट कर देती है डेटा, लेकिन है तो बीवी ना। तो आपकी मुसलमानों से शादी हुई भी कोई नहीं जाएगा कहीं। ये सिख और ये बुद्ध बुद्ध ये बराती हैं सब, ये पारसी वारसी इधर उधर जनरल मानिकशा। आपका और हमारा रिश्ता है हमेशा के लिए। हम दारा शिको हैं और आप शिवा की औलाद हैं, हम कहां जाएंगे? और वो मौलाना ही थे जिन्होंने कहा कि शिवा भी हमारा, उसको क्या, उसको सजाए मौत हो गई ना, वो भाग गया बेचारा। हां बताइए, उसको कोई इसने घर नहीं दिया। वो जो लखनऊ अवध टाइम्स की एडिटर थी बंबई में, मुसलमान औरत ने उर्दू के अखबार में चार्ली एब्डू के कार्टून किसने छापे? किसी हिंदू ने छापे? नो, मुसलमान औरत ने छापे। आज तक उसको नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी मरेगी। ऐसे जवान पैदा किए हमने औरतों में। अभी तो मर्दों की बारी नहीं आई है सर, मुझे आप सिटीजनशिप दे दे, मैं इनको यहां से वहां साफ करके भेज दूंगा। ये झूठे हैं, ये जाकिर नायक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया, बिलीव मी। काबुल इज ऑल्सो नॉट वेल, इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली। और अगर वहां से छूटते तो पशावर की जेल में करें, इनका सही वहां इस्लामिक ट्रीटमेंट वहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। कहां पहले बताइए, पीछे? हाँ जी 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 जी, मैं अहमदाबाद में ही पैदा हुआ, अहमदाबाद में रहता हूँ। और सर एक मजदूर के घर में पैदा हुआ जी, और आज भी मैं मजदूरी करता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पास मिसाइल है 2000 किलोमीटर मार करने की, 500 किलोमीटर वार मार करने की, 50 किलोमीटर मार करने की, तो सर हमारे पास भी तो है। वो तीन बार हमसे हार चुका है और इस्लाम गवाह है। जब जब भी इस्लामी फौज ने कहीं पर भी हमला किया तो वो 10 थे तो 10,000 पर काफी हुए। और एक पाकिस्तान ऐसा है कि उसने हमारे पर हमला करा तो उसके 95,000 फौजियों ने शरणागति करी हमारे आगे। तो हम, वो अगर हमारे पर एटम बम मारता है, मैं तो हाँ, जवाब दे दूं आपको। हाँ बोलिए। वो मरना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम भी वैसा ही जवाब देना चाहते हैं जैसा वो देना चाहते हैं। मोहम्मद मेरे भाई बात तो सुनो जी, वो मौत के वो हैं चाहत करने वाले, आप उनको क्यों मौत? नहीं, मेरी बात सुनो जी, सुने जरा जी जी। दो चीजें, एक ये कि हम 10,000 को मार देते हैं, ये झूठ है, ये गलत बात है, इससे भूल जाएं जी। ये पाकिस्तान जो है ये इसलिए बना क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप बड़ी पैथेटिक है। हम मौलवियों के पीछे भागते हैं, जिस दिन हमने मौलवियों को पीछे छोड़ के जावेद अख्तर के पीछे लग गए, एमजे अकबर के लग गए, आरिफ मोहम्मद खान के साथ, सॉरी मेरा ये ऊपर वाला कह रहा था ज्यादा बकबक नहीं करो। तो आप उस कौम को मौत क्यों देंगे जिसकी मौत, जिसको मौत की तमन्ना है? आप उसको कहें हम ये आपको नहीं देते, आप मारेंगे तो अपने लोगों को मारेंगे ना। क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप दरियाए सिंध पे बम मारेंगे क्यों? क्यों जहर फेंकेंगे आप उस दरिया पे जिसने आपको पैदा किया है 5,000 साल से? ये गुनाह होगा बहुत बड़ा। आपको उनकी वो कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे वो बम मार सके।
اور وہ ہے بلوچستان کی آزادی. اگر آپ مسلمان ہیں اور صرف فلسطین کا درد ہے آپ کو اور بلوچستان کا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا آپ سے پاپ ہو رہا. کیونکہ ابھی کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ نے کنونشن کیا اپنا کانگریس وزاکھاپٹنم میں, انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن لکھے, کس پہ؟ فلسطین پہ. کیوں؟ وہاں اپنے کامریڈ کافی ہیں مسلمان, سلیم صاحب اور یہ دو, ان کو درد فلسطین کا بڑا ہے. ان میں سے ایک کو درد مالدیوز کا نہیں تھا جہاں نشید کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ملاؤں نے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کو عرب کا بڑا مسئلہ ہے؟ اور بنگلہ دیش میں جب 30 لاکھ مرے تو ہندوستان کا مسلمان پاکستانی فوج کو سپورٹ کر رہا تھا. سچ کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں ہندوستانی جو مکتی باہنی میں جا کے لڑا, ایک نہیں. اپنے ابا سے پوچھ لینا یہ تم, کیونکہ تم ابھی جوان ہو. یہ سوچو کہ مسلمان کا پہلا اور آخری فرض ہے سچ بولنا. قرآن نے کلیئرلی لکھا کہ سچ بولو, ایون اف دی ٹروتھ از اگینسٹ یو اور یور فیملی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے. تو پاکستان سے دشمنی نہیں کرو, پاکستان سے پیار کرو اور پاکستان کے لوگوں سے ترس کھاؤ. کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہنا کہ ہم ایٹم بم ماریں گے. ایٹم بم مارنے پہ فخر نہیں کرنا, دریائے سندھ پہ زہر پھیلانا تو اپنی ماں کو مارنا ہے. کبھی سوچنا بھی نہیں. سندھ نہیں ہے تو ہندوستان نہیں ہے. نہ ویداز ہیں, نہ پرانے ہیں, نہ مہابھارت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لاہور رام کے بیٹے کا شہر ہے, لے کا. اور کیش جو ہے وہ بھی ہے. یہ آپ کا فون ہوگا سر, آپ کا فون ہے سر. یہ ہاں پکڑے گئے آپ. سر آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے, تو آج یہاں پر لاکھوں مسلمان پاکستان کے کارن مارے جا رہے ہیں, پاکستان کے کارن پریشان کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے کارن پریشان ہیں, تو اس کا جواب مطلب ہم کو نہیں دینا چاہیے؟ بالکل, میں بتا رہا ہوں نا. آپ آزار بند کاٹ دیجئے, شلوار گر جائے گی, بلوچستان آزاد ہو جائے گا. آپ امن کی آشا تو بند کریں. آپ کہیں مجھے نہیں جانا پاکستان, میرے رشتے دار ہیں کراچی میں لیکن ان کو دور سے سلام. نہیں چاہیے ہم کو تمہارے پیاز ٹماٹر. یہاں پر سر لگ بھگ میری 60 برس کی عمر ہو رہی ہے, میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستانی ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ہے سر؟ ایسی بات میں پکڑ لے جائیں گے آپ, گلٹ کانشیسنس ہوتی ہے یہ. میں نے کبھی نہیں کہا. ہم لوگ بھارتی ہیں, ہمارے باپ دادا بھارتی تھے. ہم لوگ میری بات بھائی, یہاں کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھارتی ہے یا نہیں ہے. آپ پہ کیوں ہے ذمہ داری کہ آپ یہ بتائیں؟ یہ غلط بات ہے. آپ میں اتنی کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ کرکٹر کون ہے جس نے وکٹ لی تو اس کے باپ نے کہا آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ ہی از انڈین مسلم. کسی اور کرکٹر نے نہیں کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ہی از ہندو. کسی نے نہیں کہا آئی ایم پراؤڈ. کبھی وہ کیا نام تھا کپتان آپ کے جو تھے, کبھی کسی نے نہیں کہا ہم کہاں کے ہیں؟ گواسکر نے کبھی کہا؟ تو یہ سوچیں, اس کمپلیکس سے نکلیں. اگر آپ ہندوستانی ہیں تو ختم ہوئی بات. ارے تم وہ مسلمان ہو خوش قسمت کہ اگر تم کل کو کہو کہ میں ہندو بننا چاہتا ہوں تو تمہاری گردن کوئی نہیں کاٹے گا. صرف ہندوستان میں مسلمان کہہ سکتا ہے کہ خدا کو دور سے سلام. میں کیفی آزمی ہوں, میں بلیو ہی نہیں کرتا. بڑا بڑا کمیونسٹ اس ملک میں ہے جو کہتا ہے خدا اور محمد پہ مجھے یقین ہی نہیں ہے, لیکن سلیم صاحب زندہ ہیں. یہ پاکستان میں ہوتے تو حسن ناصر کی طرح اس کو جیل میں مار دیا جاتا. حسن ناصر بھی حیدرآباد دکن سے آئے تھے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے والنٹیئر تھے. سانپ ان کو سانپ سے کٹوا کے مار دیا لاہور کے فورٹ میں. انڈینز کو پاکستان کی ہسٹری کا نہیں پتا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ سارے پاکستانی ہندوستانی ہیں, یہ یاد رکھیے. سارے پاکستانی وہ پرزنر آف وار ہیں, آپ آزاد ہیں. ان کی جب تک آزادی ہوگی, جب یہ ناسور ختم ہوگا, جب محمد علی جناح کا جنازہ صحیح سے نکلے گا اور لوگ کہیں گے دفاع ہو جاؤ, برطانیہ سے آئے جاؤ, وہیں جا کے مر جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے تمہارا. تم نے اپنی بیٹی کو آگ کیا, بے شرم بے حیا. خود
पारसी से शादी की और बेटी को घर से निकाल दिया कि वो पारसी से शादी कर रही है, ये कैसा आदमी था? और आप में से कोई उसको गिला नहीं कहता? मुसलमान क्यों नहीं गाली देते जिना को? दे जब तक